नमस्कार, स्वागत है आपका एमको न्यूज में। जैसा कि आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर 60 नंबर वार्ड से शादिया शाहीन जो हंगर स्ट्राइक में बैठी हुई थी, वहां के जो मौजूदा काउंसिलर थे उनके खिलाफ, शादिया शाहीन जो 10 दिनों से लगातार बिना खाए बिना पिए वहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठी रही और जिसका डर था वही हुआ। अचानक से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनको लेकर चितरंजन इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुँचे। कुछ दिन पहले शादिया शाहीन ने एमको न्यूज से बात करते हुए बताया वो किस लिए हंगर स्ट्राइक के लिए बैठी हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आवाम के लिए काम कर रही हूँ, लोगों के लिए काम कर रही हूँ, ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रही हूँ। तो मेरा कोशिश ये रहता है जिनकी जो परेशानियाँ हैं मैं उनको जहाँ तक मेरे बस में हो सकता है मैं उसको दूर कर पाऊँ। और आज इन लोगों सबकी यही परेशानी है कि हमारे वार्ड में काम नहीं होता है, हमारे वार्ड में बहुत परेशानियाँ हैं, हमारे वार्ड में बहुत तकलीफ़ें हैं जो हमारे सिटिंग काउंसिलर ने 7 सालों से दिया है। तो आज ये सारी परेशानियाँ उनकी मेरी परेशानियाँ बन गई है और इसीलिए हम लोग यहाँ हंगर स्ट्राइक में। अचानक से ये नाम घोषित होने के बाद में, ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करने के बाद में, ये नाम चेंज होना क्या मसला है? ये मैं नहीं समझ पाऊंगी ये क्या मसला है, लेकिन जो भी ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। इसलिए गलत हुआ है क्योंकि एक ऑलरेडी कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन ये उन लोगों के लिए गलत हो गया है जो लोग आस में थे कि शायद एक ऐसा कैंडिडेट आएगा जो हमारे वार्ड का भला करेगा, तो हम लोग उसके इंतज़ार में थे। तो वापस से उनका नाम आना, हमारा कैंडिडेट कैसर जमील साहब का नाम आना, ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि हमारा वार्ड फिर से 5 साल पीछे चला जाएगा।